स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को फोटोसिंथेटिक अपैरेटस क्लोरोप्लास्ट इस पे लेक्चर दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या डील करेंगे। इंट्रोडक्शन, शेप, साइज और नंबर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इंट्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट्स के का एक सेल ऑर्गेनेल है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस अर्थात हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स मेनली कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लांट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसके लिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो जिसमें होती है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। ये सेल में होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी भी तरह कहीं पर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास या सेल वॉल के आसपास यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में चार शेप देखे गए हैं, कप शेप, गर्डल शेप, रिबन शेप और ओवल शेप। ये उसके एग्जांपल्स हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो सेम नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स लोअर भी होते हैं और हायर प्लांट्स भी होते हैं। लोअर प्लांट्स में अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा लोअर प्लांट्स के अंदर आता है। एल्गी, इनमें कप शेप, गर्डल शेप और रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जनरली हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट है साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की साइज भी प्लांट टू प्लांट, स्पीशीज टू स्पीशीज बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। 2 to 3 μ थिकनेस होती है उसकी, 5 to 10 μ डायमीटर होता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पर सेल, हर एक सेल में कितने नंबर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे कि एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट जो लोअर प्लांट एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास में या यूलोथ्रिक्स में, वैसे ही 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा में और दूसरे कुछ और एल्गी में हो सकते हैं। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट्स में होते हैं और वैसे ही कारा एक एल्गी है जिसमें 500 तक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, पिगमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम और जिंक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्लोरोप्लास्ट का मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। तो कार्बोहाइड्रेट मेन कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है जो जनरली स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। प्रोटीन और लिपिड क्लोरोप्लास्ट के सेल वॉल के कंटेंट्स होते हैं। प्रोटीन लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जो वॉल है वो डबल यूनिट मेम्ब्रेन वॉल है, डबल मेम्ब्रेन वॉल है। डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल जो इसका मेन पिगमेंट है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके अलावा कैरेटिनाइड्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स ये सारे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का यदि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि पहले ही मैंने बताया है ओवल शेप हायर प्लांट का, तो ये ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट है। इसमें ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। अंदर में एक लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ डार्क रिएक्शन होता है,
इस लिक्विड पार्ट में डिस्क की तरह इस तरह से डिस्क की तरह एक के ऊपर एक सुपरपोज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे थाइलाकॉइड कहा जाता है। सिंगल ये थाइलाकॉइड है और जब एक के ऊपर एक अरेंज होता है तो ग्रुप में इसे ग्रैना कहा जाता है। हर एक सेल में 30 से 40 ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये जो ग्रैना है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसे स्ट्रोमेटल लैमेली या फ्रेट कहा जाता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ग्रैना के ऊपर प्रेजेंट होता है। ग्रैना में सिंगल यूनिट यदि देखा जाए तो थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के ऊपर यदि मैं उसको अलग से इलेबोरेट करके बताऊं तो थाइलाकॉइड में ये ल्यूमेन है और ये उसकी मेम्ब्रेन है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो यहाँ, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब यहाँ हम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ल्यूमेन में हम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। एंड लास्ट है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज एज यू नो टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करना, ये इसका मेन फंक्शन है। जिससे कि फूड स्टोरेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है प्लांट्स में। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस करती हैं और आगे जाके वो क्रैब साइकिल को कंप्लीट करती हैं। और एक और मेन फंक्शन है इसका, प्लांट के पार्ट्स को चाहे लीव्स में प्रेजेंट हो तो या स्टेम में या फिर फ्रूट्स में, वो डिफरेंट ब्राइट और अट्रैक्टिव कलर्स देता है। क्लोरोफिल जो डिफरेंट पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम और ये पूरा नोट्स, आप लोग इसको नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। थैंक यू।